केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य किए हैं। यहां पर अपने कार्यकाल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पीएम सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को लागू किया गया, जिसका देश के करोड़ों महिलाओं ने लाभ लिया। साथ ही युवा शक्ति के विकास के लिए भी अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उज्जवल योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं तथा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का कार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों में है और जहाँ भी रहती है वहाँ जनहित के कार्यों के अलावा जो अच्छे काम होंगे उनको हमेशा कार्य करने की भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, उनके अनुसार काम करते हैं हम लोग। और माननीय सांसद अजय भट्ट जी उस दिन मेरे यहाँ ऑफिस में आए थे, मेरे कार्यालय में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बाईपास भी बनेगा, लाल कुआ का भूस्वामित्व भी मिलेगा और सीमा विस्तार को लेकर के हमारी सरकार सीमा विस्तार और फ्लाईओवर को लेकर के बहुत गंभीर है। उस विषय में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बातें हो चुकी हैं, माननीय सांसद महोदय से विधायक जी ने भी बहुत प्रयास विधायक जी ने किया है और विधायक जी का ही सराहनीय प्रयास है कि बाईपास बने, लाल कुआ टूटे नहीं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो जो चांदी का मुकुट फर्जी पहनते हैं वही कहते थे हमने रुकवा दिया, बाद में वही मांग करने लगे लाल कुआ टूट रहा है। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है कि लाल कुआ का टूटने से बचा लिया है, उसमें बहुत गंभीर है। और जो एक सर्किल रेट को लेकर के जो चल रहा है उसको लेकर माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री से बात की है, कैबिनेट में वो फैसला लिया गया था तो वो अब दोबारा कैबिनेट होगी तो उसमें शायद उसको ठीक कर दिया जाएगा। जबरदस्त जीत हासिल करेंगे और 57 सीटें इस बार 60 सीटों का लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी गरीबों की सेवा की है। आज एक बहुत बड़ा आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक अम्मा बेचारी उत्तर प्रदेश की, वो कह रही मैं अपनी पूरी ज़मीन मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देना चाहती हूँ क्योंकि उसने गरीबों की सेवा की है, मेरे परिवार ने मेरे को नहीं देखा, उन्होंने देखा है। तो यही हम लोगों की उपलब्धि है।